हेलो गाइज, वंस अगेन यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल साइट एग्जीक्यूशन। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो सिविल से रिलेटेड हैं, ठीक है। सुपरवाइजर, फोरमैन, साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, जिसमें आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और PNDM, ये सारी वैकेंसीज आ जाती हैं जो सिविल से रिलेटेड होती हैं। तो इसमें बहुत सारी वैकेंसी आपको मिलने वाली हैं, जो भी आपके लिए सूटेबल हो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, इसमें जो भी वैकेंसीज होंगी वो बिल्कुल ही जेन्युइन वैकेंसीज होंगी, डायरेक्ट कंपनी की वैकेंसीज होंगी। तो इसमें थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं होगा। तो आपको मतलब है, ये है कि इसमें कोई पैसा आपको पे नहीं करना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वैकेंसी शेयर की थी टाटा प्रोजेक्ट्स का, ठीक है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर और असिस्टेंट मैनेजर के लिए। मैंने भी अप्लाई किया था उस पर, ठीक है, मेरे पास कॉल भी आई, मेरा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट भी हुआ, इंटरव्यू हुआ, ठीक है, अभी मेरे पास ऑफर लेटर भी आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी वैकेंसीज मैं शेयर करता हूँ वो सारी जेन्युइन होती हैं, आपको अप्लाई करना चाहिए और एक अच्छा सा रिज्यूम बना के आप उस पर इनका जो भी मेल आईडी दिया होता है उस पर आप सेंड करिए, ताकि आपका जो सिलेक्शन का चांसेज है वो बढ़ जाए। तो चलिए हम देख लेते हैं जो वैकेंसीज है। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो कंपनी का नाम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, श्री स्वामी समर्थ इंजीनियर्स लिमिटेड। इसमें जो वैकेंसीज हैं वो है जूनियर इंजीनियर हाईवे, ठीक है। ये सारी वैकेंसी जो है किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो बंदे कहाँ पे काम किए हों, NH हाईवे यानी कि नेशनल हाईवेज और ब्रिजेज में, उनके लिए ये सारी वैकेंसीज हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए देखिए यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है 1 साल, ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट 6, ठीक। ये सारी चीज़ें आप देख लेना, कितनी एक्सपीरियंस मांग रखा है और कितना नंबर ऑफ पोस्ट है, ठीक है, और क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है। मैं बस पोस्ट का नाम लूंगा, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी इंचार्ज, ठीक है, यानी PNDM इंचार्ज, साइट सुपरवाइजर, RE पैनल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, स्टोर कीपर, वेब्रिज ऑपरेटर, मैकेनिकल इंजीनियर, HR एंड एडमिन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये कोई नई साइट इनकी स्टार्ट होने जा रही है, जिसके लिए इनको सारा ही स्टाफ चाहिए, देखिए यहाँ पे, ठीक है, इंजीनियर से लेके PNDM, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, स्टोर कीपर, सारी वैकेंसीज हैं इसमें। और यहाँ पे देखिए मिनिमम एक्सपीरियंस क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है और जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और आपको अपनी मेल आईडी कहाँ पे सेंड करना है उसके लिए देखिए इन्होंने मेल आईडी दिया हुआ है, आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ इसको, HR.SSIngineers11@gmail.com। और दूसरी जो मेल आईडी है वो है HR@SSIngineers.com, ठीक है, इस पर अपना रिज्यूम सेंड कर दीजिएगा। तो गाइस चलिए नेक्स्ट वैकेंसी देख लेते हैं। जो नेक्स्ट वैकेंसी है देखिए अर्जेंटली रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्या क्या पोस्ट जो रिक्वायर्ड है, प्रोजेक्ट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर और डिप्यूटी चीफ इंजीनियर एंड इंजीनियर अकाउंटेंट, ठीक है। और कंपनी का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, क्रेसेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, लोकेशन ये दिया हुआ है, कहाँ की कंपनी है, मुंबई की है, मेल आई डी यहाँ पे दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है जिसपे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन वैकेंसीज के लिए आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में ईमेल देयर रिज्यूम विथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद इन 7 डेज, ठीक है, 7 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना है। प्रीफरेंस विल बी गिवन टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कहने का मतलब ये है कि जो पहले अप्लाई करेगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस मेल आईडी पे अपना रिज्यूम सेंड कीजिए या फिर कॉन्टैक्ट कर लीजिए इस नंबर पे, ठीक है गाइज। तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी हम देख लेते हैं। जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो पटना के लिए है, ठीक है, और कंपनी का नाम क्या है देखिए यहाँ पे, प्रॉस्पेक्टा बिल्डेक्स, ठीक है। तो इसमें जो वैकेंसी है वो प्लानिंग इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, टोटल स्टेशन सर्वेयर, अकाउंट एंड स्टोर कीपर, ठीक है। वो पुणे के लिए जो वैकेंसी है वो प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इंजीनियर, सीनियर प्लानिंग एंड बिलिंग इंजीनियर, ये इमीडिएट ज्वाइनर्स के लिए है और मेल आईडी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके अप्लाई कीजिए ताकि आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो सके, ठीक है गाइस। एक्सपीरियंस देखिए यहाँ पे साथ के साथ दे रखा है तो उसको आप देख लीजिए। तो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट वैकेंसी देख लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी देखिए यहाँ पे है, साइट इंजीनियर क्वांटिटी सर्वेयर परचेज कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ, क्या, HRD@ASMITAGroup.com, ठीक है, अस्मिता ग्रुप है ये कंपनी का नाम है, ठीक है। इस मेल आईडी पे आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वैकेंसी गाइज है इनर्जेटिक पीपल प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, इनको जो रिक्वायरमेंट है देखिए यहाँ पे, सीनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर, ठीक है, ये सारी वैकेंसीज हैं और ये इनका एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। और साथ के साथ यहाँ पे लोकेशन दे रखा है और क्लाइंट का नाम यहाँ पे दे रखा है, MEIL यानी मेगा इंजीनियरिंग है, आईकॉम है,
टेन टायर है, ठीक है, ये इनके क्लाइंट्स हैं जिसमें ये काम कर रहे हैं अभी, ठीक। तो इसमें आप जाके अप्लाई कीजिए, इस पर देखिए जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे दे रखा है, एक्सपीरियंस दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वैकेंसी देख लेते हैं अभी। तो गाइस जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो कहाँ पे है, एलएनटी कंस्ट्रक्शंस के लिए है। इसमें जो पोजीशंस है उसको हम देख लेते हैं। डैम डिजाइनर के लिए है, ठीक है, स्ट्रक्चरल डिजाइनर इंजीनियर, ठीक, जियोटेक इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्लानिंग फॉर टीबीएम टनलिंग, ठीक है। ये सारी वैकेंसीज हैं, एक्सपीरियंस देखिए यहाँ पे दे रखा है 15 से 20 साल किसके लिए, डैम डिजाइनर के लिए, और स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर के लिए 5 से 8 साल, ठीक है, इसके लिए 5 से 8, 6 से 10, ठीक है, ये एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है इनकी, और बाकी क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और जो कैंडिडेट यहाँ पे लिख रहा है, देखिए, कैंडिडेट मीटिंग दी क्राइटेरिया में शेयर दे रिज्यूम ऑन सुमान मेल एट द रेट LNTEECC.com, ठीक है, इस मेल आईडी पे अपना रिज्यूम सेंड कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी हम देख लेते हैं। यह है असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियर के लिए, ठीक है, कंपनी का नाम थीम इंजीनियरिंग है, ठीक, और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 3 साल, ठीक है, ये सारी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ आप देख लीजिए। और ये कहाँ के लिए है, तमिलनाडु के लिए है। और नेक्स्ट वैकेंसी जो है कहाँ पे है, लार्सन एंड टिब्रो यानी एलएनटी में, अगेन सिविल इंजीनियर और फोरमैन मरीन के लिए वैकेंसी है, ठीक है। अगर आपका एक्सपीरियंस मरीन में है तो आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे मेल आईडी दिया हुआ है, ठीक। और जो नेक्स्ट वैकेंसी है देखिए यहाँ पे, ये शाहपुर जी पालनजी में है, ठीक है, इसमें जो वैकेंसी है वो क्यूए क्यूसी के लिए है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 6, और जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 3 से 15 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांग रखा है, ठीक है, और ग्रेजुएशन और डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में, ये दे रखा है यहाँ पे, ठीक। और क्यूए क्यूसी मैनेजर के लिए भी इसी में वैकेंसी है, जो 6 नंबर है उसी में क्यूए क्यूसी इंजीनियर और मैनेजर दोनों की वैकेंसी है। और आपको अप्लाई कहाँ पे करना, अपना रिज्यूम कहाँ पे सेंड करना है, HR.mumbai@sapojo.com, ठीक है, इस वाली मेल आईडी पे आपको अपना रिज्यूम सेंड करना है। तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी अगेन कहाँ, शाहपुर जी में ही है, ये मैनेजर एंड डिप्यूटी मैनेजर, ठीक है, एमटेक होना चाहिए सिविल से, एक्सपीरियंस 10 साल का होना चाहिए। और जो मेल आईडी है देखिए यहाँ पे appa.km@sapoji.com, इस पर आपको मेल अपना सेंड करना है रिज्यूम, ठीक। और जो नेक्स्ट वैकेंसी वो है अशोका बिल्डकॉन में, ठीक, इसमें जो वैकेंसी है हेड सेल्स, सेल्स एग्जीक्यूटिव, प्लांट इंचार्ज, ठीक है, बैचर स्टोर्स, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, बी सिविल, लैब टेक्नीशियन, बी सिविल, ठीक है, ये वैकेंसीज है। यहाँ पे जॉब एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, एक्सपीरियंस कितना चाहिए वो सारा डिटेल यहाँ पे दे रखा है, उसको आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर दे रखा है जिसपे आप कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं, और यहाँ पे मेल आईडी दे रखा है, ठीक है, इस पर आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं रिज्यूम सेंड करके, ठीक। तो नेक्स्ट वैकेंसी हम देख लेते हैं। जो नेक्स्ट वैकेंसी वो है क्या, MEP इंजीनियर के लिए, ठीक, ये लोकेशन कहाँ, थाने कांदीवली के लिए है, 7 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है, और कंपनी का नाम है दोस्ती रियल्टी, ठीक। और जो नेक्स्ट वैकेंसी वो कहाँ पे है, एमर्स पार्क फ्यूचरिस्टिक एंड एसोसिएट्स, ठीक है, इसमें जो वैकेंसी वो क्या है, स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर और स्ट्रक्चर ड्राफ्ट्समैन, ठीक है, और मेल आईडी यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं, इस पर अपना रिज्यूम सेंड कर दीजिए अगर आप इस पोस्ट के लिए देख रहे हैं। और जो गाइज नेक्स्ट वैकेंसी है वो ATS होमक्राफ्ट में है, ठीक, ये मेल आईडी दे रखा है Shalini.Chaudhary का, ठीक। जो वैकेंसी रिक्वायर्ड है वो है GM और DGM के लिए, एक्सपीरियंस इन्होंने 15 साल का मांग रखा है, ठीक। और जो नेक्स्ट वैकेंसी वो है ARSS इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में, इनको प्रोजेक्ट मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उड़ीसा के लिए चाहिए, और नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सिविल डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन में, सैलरी यहाँ पे दे रखा है, और मेल आईडी यहाँ पे दे रखा है, इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट वैकेंसी हम देख लेते हैं। जो नेक्स्ट वैकेंसी हुआ है QS इंजीनियर एंड असिस्टेंट QS इंजीनियर, ठीक है, 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है, और सेकंड लैब टेक्नीशियन, आप मेल आईडी यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर आपको अपना रिज्यूम सेंड करना है, और या तो व्हाट्सअप कर लीजिए इस नंबर पे, ठीक है, अगर अधिक जानकारी चाहिए तो इस वाले नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिए। तो अगर इस पोस्ट के लिए आप देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी अपना रिज्यूम इस मेल आईडी पे सेंड कर दीजिए। और नेक्स्ट वैकेंसी जो है सीनियर बिलिंग इंजीनियर के लिए, कंपनी का नाम है ट्राइकॉन, ठीक, और जो रिक्वायरमेंट है इनकी मिनिमम एक्सपीरियंस 7 से 10 साल चाहिए, ठीक है, और मेल आईडी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, इस पर आप अपना रिज्यूम सेंड कर दीजिए। तो गाइस जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है इंफ्रा या रोड प्रोजेक्ट के लिए है, ठीक है, और सीनियर इंजीनियर क्वालिटी क्यूए क्यूसी चाहिए इनको, हाईवे डिजाइन इंजीनियर चाहिए, इसके अलावा जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो है सीनियर सर्वेयर की, कंपनी का नाम है 4 पिलर इंडिया, ठीक,
यहाँ पे देखिए मेल आईडी दे रखा है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है जिसपे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वैकेंसीज थी जिसपे आपको अप्लाई करना चाहिए अगर आप जॉब के लिए देख रहे हैं, जॉब चेंज के लिए देख रहे हैं। अगर घर बैठे हैं अभी आपके पास जॉब नहीं है तो इन मेल आईडीज पे, जो मेल आईडीज दी गई हैं उस पे अपना रिज्यूम सेंड करिए, एक अच्छा सा रिज्यूम बना के। अगर आपके पास अच्छा सा रिज्यूम नहीं है, अगर आपको उसके लिए भी कोई टिप्स चाहिए रिज्यूम के लिए, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिज्यूम का फॉर्मेट भी सेंड कर सकता हूँ अच्छे से अच्छे, या फिर मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जिसमें, एक मेरे पास है, उस वेबसाइट का मैं नाम आपको बता दूंगा डिटेल में, आपको वहां से जाके बहुत अच्छे से अच्छे रिज्यूम के फॉर्मेट मिल जाएंगे। उसके लिए आपको सिर्फ कमेंट करना है। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं, अगर आपको डेली जॉब अपडेट चाहिए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।